ठीक है। चलो लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन सा वाला, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड टेंड्रिल के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक कौन सा, इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस मैं फिर बोल देती हूँ आपको कि इनफ्लोरोसेंस की जो टाइप है रेसिमोज और साइमोज के, वो भी आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगी। ये एक सस्पेंस है, क्या बोलते हैं, और थ्रिलर मूवी है, इसका एंड में समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है ना। तो अभी सिर्फ हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे इनफ्लोरोसेंस यहाँ पे टू टाइप के होंगे, एक होगा साइमोज और दूसरा कौन सा होता है, रेसिमोज। साइमोज इनफ्लोरोसेंस एंड रेसिमोज। रेसिमोज को याद रखना, आर से क्या होता है, एक ट्रिक याद रखना, रेज एंड सन लाइट की जो रेज होती है उनको कोई रोक सकता है क्या, नहीं ना। तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेगी। और साइमोज से आप ट्रिक याद रखना, सीमित। तो इसमें आपको इनफ्लोरोसेंस की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड दिखाई देगी, है ना। वो कैसे, फ्लावर का एक सिंगल स्टॉक होता है उसको आप क्या बोलते हो, फ्लावर की स्टॉक को बोलते हैं पेडिसल। लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेटियोल। ओव्यूल आपने पढ़ा था, ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो एग्जैक्टली इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं और वो फ्लावर जहाँ पे लगे हुए हैं उस स्टॉक को हम बोलते हैं पेडंकल। कभी आपने पेडंकल नोटिस किया है, देखा है, नहीं देखा है, भुट्टा खाया है सबने, है? भुट्टे को जब आप छीलते हो ना तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, जो पूरे भुट्टे को कवर करके रखते हैं। जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम छीलते हैं वो क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं। और उनको हटाने के बाद आपने उसमें बहुत सारे ब्राउन हेयर देखे होंगे, वो क्या होती है, उसकी पढ़ाई पढ़ा चुकी होता, वो उसकी स्टिग्मा होती है, कि स्टाइल होती है, पागलों स्टाइल होती है उसकी। तो इतने लंबे लंबे जो हेयर होते हैं वो क्या होती है, उसकी स्टाइल होती है। और हमने पढ़ा भी था कि प्लांट किंगडम में सबसे लॉन्गेस्ट स्टाइल किसकी होती है, भुट्टे की, मेज की होती है। अब उन भूरे बालों को हटा दिया तो उसके बाद में बीज आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पोइसी फैमिली होती है या फिर जो वीट फैमिली होती है, ग्रासेस फैमिली, इनके अंदर जनरली क्या होता है कि वन 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 का कॉन्सेप्ट होता है। ये हम आगे अभी गायनोशी में भी पढ़ेंगे, वन 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 का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें एक सीड इजिकल टू वन फ्लावर इजिकल टू वन गायनोशियम और वन गायनोशियम इजिकल टू वन ओव्यूल। ये ट्रिक याद रखना आप लोग, कौन कौन सा, कि जो आपको एक सीड दिखाई दे रहा है वो वन सीड इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अकेला जो सीड है वो एक पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर को। तो सोचिए उसमें फ्लावर कितने छोटे छोटे होंगे, जैसे एग्जाम्पल गेहूं में भी आपने फ्लावर बहुत छोटे छोटे देखे होंगे। तो छोटे फ्लावर्स को हम बोलते क्या है, फ्लोरेट, है ना, कोई बात नहीं। और इस एक सिंगल फ्लावर के अंदर गायनोशियम भी कितनी होती है, वन गायनोशियम या फिर वन कार्पल होगी इसके अंदर, है ना। एंड वन कार्पल इजिकल टू, और कार्पल के अंदर ओव्यूल भी कितना होगा इसके अंदर, वन होगा। तो ये आप ट्रिक लिख लीजिए, किसके लिए, पोइसी फैमिली के लिए, वीट फैमिली के लिए, लिखो वीट फैमिली या पोइसी फैमिली के लिए। तो अब मुझे बताओ कि उसके अंदर जो वन सीड है, वन सीड इजिकल टू क्या हो गया, वन कंप्लीट फ्लावर हो गया। सोचिए भुट्टे के ऊपर कितने सारे बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। तो सोचिए उसमें कितने सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर थे। अच्छा, उन भुट्टे को खा जाने के बाद जो थिक सा फ्लैशी जो पार्ट होता है ना, जिसको हम फेंक देते हैं, वो क्या होता है, पेडंकल। तो देख लिया पेडंकल। और ये जो मैंने भुट्टा पढ़ाया, ये टाइप होता है, स्पैथ होता है एक्चुअली, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। तो ये होता है सीमित या साइमोज रेसिमोज। इसमें तो जहाँ पे फ्लावर सारे लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पेडंकल। और ये वाला पार्ट भी इसमें क्या होगा, पेडंकल होता है। तो सारे फ्लावर जहाँ से डेवलप होते हैं उस इनफ्लोरोसेंस के स्टॉक को क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस के स्टॉक को बोला जाएगा पेडंकल। अब पेडंकल के ऊपर जब रेसिमोज होगा तो इसमें फ्लावर कुछ इस तरह से ओरिजिनेट होंगे। जैसे ये फ्लावर का क्या होता है, पेडिसिल होता है, है ना। तो ये तो पेडिसिल हो गया, और पेडिसिल में फिर ये सपोज करो कि पहले पेडंकल इतना था,
तो ये फ्लैट वाले फ्लावर डेवलप हो गए, फिर पेडंकल की और ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने पर फिर यहाँ पे फ्लावर और डेवलप हुए, फिर इसमें पेडंकल की और ग्रोथ हुई, फिर अगले फ्लावर जो है यहाँ पे डेवलप हुए, फिर पेडंकल की और ग्रोथ हुई, एंड देन फ्लावर जो है वो यहाँ पे डेवलप हुए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पेडंकल का जो टिप है वो टिप यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पेडंकल का टिप जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, है ना। और इस सिनेरियो में आपने क्या देखा है कि जो सबसे पुराने जो फ्लावर होंगे वो सबसे नीचे होंगे, एंड जो सबसे यंग फ्लावर होंगे वो कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे। और ऑब्वियसली हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, यंग को, बूढ़ों को तो कौन पूछता है, ठीक है। तो इसमें यंग फ्लावर कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, एंड ओल्डर फ्लावर कहाँ पे, नीचे की तरफ है। सो दैट्स वाई आप इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, बेसिपिटल या एक्रोपिटल, यंग कहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा कौन सा, दिस इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस केस में क्या होता है कि ये जो पेडंकल था वो ग्रो हुआ। अब परेशानी थी कि इस पेडंकल के टिप पे यहां पे सबसे पहला फ्लावर डेवलप होगा, एंड ऑब्वियसली घर में जो सबसे पहले पैदा होता है वो सबसे बड़ा होता है, दादा दादी सबसे पहले पैदा हुए तो सबसे बड़े, फिर पापा मम्मी पैदा हुए तो वो उनसे छोटे, तुम बाद में पैदा हुए तो तुम और छोटे हो, है ना। तो ये वाला जो फ्लावर सबसे पहले पैदा होगा वो सबसे ओल्डर फ्लावर सबसे टॉप पे दिखाई देगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका जो टिप है वो टिप क्या हो गया, अब फ्लावर डेवलप होने की वजह से कंज्यूम हो गया, और अब इसके जो ग्रोथ है वो आगे नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, सीमित ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अब इसके हिस्से में क्या होगा कि इसके जो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सिलरी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, साइड में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, पेडंकल का ये साइड ग्रोथ होना शुरू होगा। अगेन साइड ग्रोथ होने पर क्या होगा कि जो टिप होगा उस टिप के ऊपर क्या लगेगा, अब फ्लावर लगेगा, सेकेंड वाली फ्लावर ये हो गई, ये सेकेंड वाला फ्लावर हो गया। फिर से क्या हुआ कि इसका जो टिप है उसका मेस्टमेटिक जो पार्ट है वो कंज्यूम हो गया, वो अब आगे ग्रो कर नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इसकी अगेन जो लेटरल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नोड होंगे इसमें इसकी लेटरल ग्रोथ होगी और इसमें ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे डेवलप होंगी कौन सा, तीसरा फ्लावर। यहाँ पे डेवलप होगा कौन सा, तीसरा फ्लावर, इसको छोटा बनाना, ठीक है। तो इस तरह से ही चलता रहेगा, कभी आपने नेचर में ऐसा पक्का ही नोटिस किया होगा इस तरह के फ्लावर, है ना, और इस तरह के भी फ्लावर भी आपने नोटिस किए होंगे। चलो तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर ग्रोथ जो है वो कैसी होगी। अभी हमने लिखा सीमित, मतलब यहाँ पे आपको लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी। और फिर अब मुझे बताओ कि जो ओल्डर फ्लावर है वो कहाँ पे, टॉप पे, यंगर फ्लावर कहाँ पे, आगे नीचे आ गए, है ना। तो सिंस यहाँ पे यंगर फ्लावर जो है वो नीचे है एंड ओल्डर जो फ्लावर है वो टॉप पे है, सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा, है, तो इसको बोला जाएगा बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इस इन्फ्लोरेसेंस को ऐसे दूर से मत देखिए, इस इन्फ्लोरेसेंस को आप टॉप से देखिए ऐसे। तो इसको ऐसे देखने पर क्या नोटिस करोगे कि जो सबसे बड़ा वाला जो फ्लावर होगा वो आपको सबसे सेंटर में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाला जो फ्लावर है वो आपको सबसे सेंटर में मिलेगा, वन, एंड टू जो होंगे वो उसकी पेरिफेरी पे मिलेंगे, लाइक इस तरह से, ये टू हो गया, ये टू हो गया और ये टू हो गया। फिर थ्री वाले फ्लावर क्या होंगे, वो आपको और ज़्यादा बाहर मिलेंगे, ये और छोटे फ्लावर हो गए, थ्री थ्री और ये थ्री, और ये क्या दिखाई दे रहा है इसमें, इनके स्टॉक हो गए। तो कुल मिला के अगर इनको हम सर्कल बनाएं तो आपने देखा कि सबसे सेंटर में पहला फ्लावर है, पेरिफेरी पे आपको दूसरा फ्लावर, और आउटर वर्ल्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा फ्लावर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे अरेंजमेंट अगेन हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, यंग को। अब यंग कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, पेरिफेरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल होता है फेंकना, तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ,
तो इसमें देखो कि जो सबसे ओल्डर जो फ्लावर होंगे उनका पेडिसिल का लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वो फ्लावर सबसे ओल्डर फ्लावर आपको कहाँ पे मिलेंगे, बाहर की तरफ मिलेंगे। तो ये फर्स्ट वाले फ्लावर हो गए जो सबसे बाहर है मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी मान लो वन बना देते हैं, फिर ये टू हो गया, ये भी टू हो गया, ये टू हो गया, फिर और से थ्री हो गया, और ये थ्री हो गया, और ये थ्री हो गया। तो इनको मिला दो आप ऐसे, है ना। तो टॉप से देखने पर आपको ओल्डर फ्लावर सबसे बाहर दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि उनकी पेडिसल की लेंथ ज़्यादा है ना। ये तो बस बेचारे अभी अभी पैदा हुए हैं, तो उनकी पेडिसल की लेंथ अभी छोटी है, तो ये आपको सेंटर में दिखाई देंगे। एंड सिंस यंग वाले जो फ्लावर है वो कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल की, बड़ी मुश्किल होगी याद करने की, पर आपको याद करना ही नहीं है। लास्ट में जब मैंने बोला था चैप्टर के एंड में मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तब तक शांति बनाए रखें, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, करनी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, कौन सा, इनफ्लोरोसेंस वाला। अब इनफ्लोरोसेंस के बाद हम सीधा आ जाते हैं कहाँ पे, स्ट्रक्चर फ्लावर के ऊपर। आपने कभी सुना है फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है या मॉडिफाइड स्टेम होता है, और स्टेम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि उसके ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं, है ना। जरा प्रूव करके बताओ मुझे कि फ्लावर के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। मुझे तो नहीं दिखते, तुमको दिखते हैं? हाँ, किसी ने जवाब दिया बट अच्छा दिया पर गलत दिया। मुझे तो नहीं लगता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है। एक काम करते हैं आप लोगों ने, होता क्या है कि पत्ता गोभी क्या होता है, पत्ता गोभी एक कंडेंस शूट होता है बेटा। कंडेंस शूट कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें इंटरनोड का जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो सारे नोड एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि बेटा वो शूट नहीं है, बट वो है। पत्ता गोभी में जहाँ पे भी जो सारी लीफ ओरिजिनेट हो रही है ना कैबेज के अंदर, वो सारी की सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नोड वाले पोर्शन से ओरिजिनेट हो रही है। हालांकि इंटरनोड छोटा होने की वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती, स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो पार्ट जो है पूरा कंडेंस हो जाता है। ये सेम सिनेरियो बेचारे फ्लावर के साथ भी है। फ्लावर के अंदर भी क्या होता है, होते तो चार नोड है जिसमें एक नोड से ओरिजिनेट होता है सेपल, एक पे पेटल, एक पे स्टेमन और एक पे कार्पल डेवलप होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है ये चारों हमेशा अलग अलग नोड से ओरिजिनेट होते हैं, सिंगल नोड से ओरिजिनेट नहीं होगा, चार अलग नोड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में इंटरनोड की लेंथ होती तो शायद आपको दिखाई देती, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके अंदर इंटरनोड की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, और इस तरह से सारे नोड एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, है ना। तो फ्लावर जो है वो क्या हो गया, एक कंडेंस शूट हुआ, नहीं हुआ मॉडिफाइड, एक कंडेंस क्या हो गया, शूट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेम के ऊपर लगती क्या है, लीफ। तो ओ माय गॉड, मतलब स्टेमन, कार्पल, सेपल, पेटल, ये स्टेम पे लगने वाली लीफ हो गई। बिल्कुल सही बात है, ये लीफ होती है, जिसमें सेपल तो आपको बिल्कुल ग्रीन लीफ दिखाई देता है, पेटल्स आपको कलर्ड लीफ जैसा दिखाई देता है, हालांकि लीफ जैसा होता है बट कलर्ड हो जाता है। यस, स्टेमन और कार्पल जो है वो भी लीफ होती है, जिनका काम क्या होता है बेसिकली, है फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट कहाँ पे करता है, रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आप इनको और क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव लीफ भी बोल सकते हो, है ना। हालांकि ये दोनों स्टेमन और कार्पल बनाती क्या है, स्पोर्स बनाती है, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, जो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो क्लास 12th के अंदर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। तो इनका काम क्या होता है, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन्स बनाना, पोलन्स बनाना काम किसका होता है, स्टेमन का होता है। तो क्या स्टेमन और कार्पल को क्या मैं स्पोरोफिल नहीं बोल सकती हूँ, स्पोर बनाने वाली लीफ, स्पोरोफिल, है ना। हाँ, तो ये सारी की सारी क्या होती है, दीज आर मॉडिफाइड लीफ, है ना। चलो प्रूव कर दें, आप इसको किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हो कि सभी सच में मतलब मॉडिफाइड लीफ होती है, कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके प्रूव कर सकते हो। इंटरनोड की लेंथ कौन बढ़ाता है, जिब्रेलिक एसिड बढ़ाता है ना, जिब्रेलिन। तो अगर मान लो फ्लावर के अंदर ये सारे इंटरनोड तो बहुत है ही नहीं, ऑलमोस्ट रिड्यूस है, अगर मान लीजिए जो फ्लावरिंग बर्ड होती है ना, तो इस फ्लावरिंग बर्ड के ऊपर अगर मैं जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दूँ तो क्या होगा, इसमें इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी,
और सारे आपको वॉल जो है वो अलग अलग होते हुए दिखाई देंगे। तो इसे प्रूव हो गया कि फ्लावर एक क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है ना, क्योंकि शूट का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके ऊपर नोड और इंटर नोड होते हैं, राइट। चलो इस चीज़ों को वापस लिख लेते हैं हम लोग। तो ये कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट हो गया, जिसके अंदर हुआ क्या था कि इंटर नोड हाईली क्या हो गए थे, हाईली रिड्यूस्ड हो गए थे, कौन, इंटर नोड। एंड अब फ्लावर का डायग्राम बनाए, तो फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, ठीक है। और इस स्टॉक का जो टिप वाला जो पार्ट है, जो आपको स्वलन दिखाई दे रहा है, तो स्वलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, या फिर इसको और बोलते हैं रिसेप्टेकल। अब मुझे बताओ फ्लावर के अंदर टोटल आप कितने वॉयल काउंट करते हो, चार, चार से ज्यादा तो नहीं होते ना, पक्का चार ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें चार वॉयल होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा जो कुछ भी होगा उनको हम फ्लावर के पार्ट कंसिडर नहीं करते। इसमें सबसे बाहर ऑरिजिनेट होता है यहाँ पे सेपल, और सेपल जनरली एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो जनरली होते ही एक से ज़्यादा है। तो सेपल सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने बैंगन देखा है ब्रिंजल, और बैंगन के ऊपर आपने फ्रूट के ऊपर पांच पत्तियाँ चिपकी हुई देखी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली वो सेपल है बेटा, ठीक है, वो क्या है, सेपल। तो सारे सेपल्स को मिला के बोलते क्या है इसके वर्ल्ड को, सेपल के वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। एंड कैलिक्स को आगे जाके हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, के इसे रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। अब मुझे बताइए सेपल्स का काम क्या होता है। ये ग्रीन होते हैं तो इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो ऐसा क्या बेटा फ्लावर के अंदर फोटोसिंथेसिस, कहीं और ब्रांचेस पे जाके कर लेता फोटोसिंथेसिस, यहाँ के फोटोसिंथेसिस करने का क्या सेंस बना, बताइए सेपल्स का काम क्या होता है। वेरी नाइस। देखो फ्लावर जब छोटा होता है ना, फूल तो इतना बड़ा होता है, बट सेपल आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, वो तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पर ये फ्लावर जब कौन सी स्टेज में था, हाँ बिल्कुल एक बर्ड स्टेज में था, तब आपने देखा होगा जैसे गुलाब की छोटी सी कली देखी होगी तो वो पूरी सेपल से कवर्ड होती है, तो उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावरल बर्ड। सेपल्स का काम क्या हो गया, इसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरल बर्ड, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये आपको दिखाई देंगे पेटल्स, और पेटल्स जनरली कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कलर्ड ही हो भैया। जिनके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो वहाँ पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की नीड होती है, दैट्स वाई वहाँ पे कैसे होते हैं, पेटल कलर्ड होंगे, है ना। बट जहाँ पे अगर हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है या पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, गेहूँ, चावल, है ना बेटा, सरसों के खेतों में जाके सभी फोटो खिंचवाते हैं, गेहूं के खेतों में और चावल के खेतों में कौन फोटो खिंचवाता है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है। तो ग्रासेस में, व्हीट में, राइस में, मेज में, ये सभी सीन्स बिलोंग करते हैं पोएसी फैमिली से, तो इन सब में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, तो वहाँ पे आपको ये कलर्ड नहीं मिलेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, पेटल्स आपको कलर्ड तब मिलेंगे जब यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, ठीक है, और जनरली होता भी है कि टोटल पॉलिनेशन का 80% पॉलिनेशन तो इनसे के थ्रू होता है, तो जनरली 80% जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते, कलर्ड हो गए, है ना। तो ये पैटर्न्स हो गए, एंड सभी पैटर्न्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है कोरोला, एंड कोरोला को आगे जाके हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेमन के बारे में, तो इसी में यहाँ पे, और सभी स्टेमन को मिला के हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो ये स्टेमन है, और सभी स्टेमन को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम, और आगे जाके हम एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है। तो अभी मैंने दो बनाए, बट कभी इनकी संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, टेन भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, जो पढ़ेंगे हम लोग। फिर अब बात करते हैं फैमिलीज के बारे में, तो फैमिलीज के अंदर ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होती है, ये ओवरी होती है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कार्पल। एंड कार्पल को हम और क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। क्या फर्क है दोनों में? और सभी कार्पल या पिस्टल को मिला के हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, गायनोशियम। डोंट वरी, पढ़ेंगे हम अभी ना गायनोशियम। एंड गायनोशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। ठीक है, तो ध्यान रखना मेनली फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल पार्ट के अंदर हम चार ही पार्ट को काउंट करते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल को काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें से आपने देखा है कि इनका काम होता है स्पोर्स को प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब स्पोर्स से आगे जाके क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। स्पोर्स से आगे जाके क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। सो दैट्स वाई इन दोनों को क्या हम एसेंशियल वर्ल्ड बोल सकते हैं। और ये तो बेटा पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो इनको सिंस ये हेल्पर वर्ल्ड हो गए, या इनको बोला जाएगा एसेसरी वर्ल्ड। ये तो चलो याद कर लेना आप लोग। तो ये दोनों हो जाएंगे एसेंशियल वर्ल्ड, एंड ये हो जाएंगे कौन से, एसेसरी या फिर हेल्पर वर्ल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। कभी कभी बेटा ऐसा नहीं होता है, जैसे ये सेपल और पेटल आपको इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं मिलेंगे, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। एंड फ्यूज होने के बाद सेपल और पेटल के फ्यूजन से बनता है टेपल। जो आपने देखा होगा लिली फ्लावर, देखा है कभी, कभी गए हो फाइव स्टार होटल? नहीं गए ना, तो तुम लोगों ने पक्का मोबाइल में वीडियो पे देखा होगा या मूवी में देखा होगा। ठीक है, जो लोग फाइव स्टार होटल जाते हैं वहाँ पे मिलते हैं लिली फ्लावर्स, और लिली फ्लावर महंगे होते हैं। तुम लोगों ने गरीबों नहीं देखा है? ठीक है, नहीं मैंने भी नहीं देखा है, चलो ठीक है, बस 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 बस। तो लिली जो फ्लावर होते हैं उसमें आप देखना, भैया रिकॉर्डिंग खराब हो रही है मेरी। तो सेपल और जो पेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूजन से क्या बनता है, लिली टेपल बनता है ना। और ये टेपल्स के वर्ल्ड को फिर मैं क्या बोलूं, सभी टेपल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। तो देखो सेपल प्लस पेटल बोलो तो टेपल हो गया, कैलिक्स प्लस कोरोला बोलो तो फिर ये पेरियंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरियंथ होगा। और पेरियंथ आपको कहाँ पे मिलेगा, एक तो आपको लिली फैमिली में मिलेगा, लिलियसी फैमिली, जिसमें लहसुन, प्याज, लिली और कौन आता है, कोलोकेशिया, अरबी। ठीक है, ये मैं सब पढ़ाऊंगी इसमें, तो ये एग्जाम्पल आएगा। और आपको एग्जाम्पल कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा पोइसी फैमिली के अंदर। पोइसी फैमिली क्या होती है, वीट फैमिली। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, लिली और पोइसी आपके सिलेबस में जितनी फैमिली है ना, सिर्फ दो मोनोकॉट फैमिली है, और दोनों के दोनों मोनोकॉट फैमिली में आपको क्या मिल रहा है, टेपल्स देखने को मिल रहे हैं, पेरियंथ देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब चलो इसको प्रूफ किया, पहले बात करते हैं इसके बारे में। अगर फ्लावरी कंडेंस मॉडिफाइड अगर शूट है तो इसके ऊपर लगने वाली सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कॉमन कार्पल, ये सारी क्या है, दीज आर मॉडिफाइड लीफ हो गई, जिसमें स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर, कौन सी, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जिनको क्या बोलते हैं, पोलन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरो। तो इसको मैं क्या स्पोरोफिल बोल सकती हूँ, और क्या इसको भी स्पोरोफिल बोला जा सकता है, पी एच वाई डबल एल मतलब लीफ, फिल मतलब लीफ, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, यहाँ पे भी हो जाएगा स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। ये बनाता है छोटे स्पोर, तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, और ये बनाता है बड़े स्पोर, सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा मेगा स्पोरोफिल। बताइए कोई परेशानी, ठीक है। और इसमें अगर हम फ्लावर के अंदर अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दे तो क्या होगा, ये सारे इंटरनोड जो है इलोंगेट हो जाएंगे, एंड सारे सेपल पेटल आपको दूर दूर दिखाई देंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है।